नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दी की बात में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि सभी को पता है, और अब वो तारीख बेहद ही नजदीक आ गई है जिसका हर राम भक्त को इंतजार था, यानी कि 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। और इस बीच भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर का दौरा भी करने वाले हैं, और इस दौरे पर वो अयोध्या को करीब 15,700 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। और इसमें अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, पुनर्विकास से तैयार अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इसके अलावा वो 2 नई अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, और करीब 11:15 पर पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, यानी कि जो पर्यटक है, क्योंकि अयोध्या इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अंतिम तैयारियां तेजी से चल रही हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है, और इसको लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री का दौरा, यानी कि रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और दोपहर करीब 12:15 प्रधानमंत्री नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, और इसके बाद प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सेदारी लेंगे। राज्य में 15,700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं जो हैं वो विकसित होने जा रही हैं, उनका उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास करेंगे, और अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य परियोजनाओं से संबंधित लगभग 4600 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो कि नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी, और अयोध्या और उसके आसपास के सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री अयोध्या के कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में होने वाला भव्य आयोजन में अयोध्या वासी से लेकर संत समाज और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कई सौगात अयोध्या वासियों को मिलने जा रही है। इस वक्त अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, साथ ही तैयारियां अंतिम चरण में हैं और तेजी के साथ इन्हें पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है, यानी कि जो कारीगर लगे हुए हैं उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है समय सीमा से पहले इस कार्य को, इन तैयारियों को पूरा कर लेने का, क्योंकि इस वक्त सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है। अयोध्या को लेकर तैयारियां चरम पर और कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, अयोध्या के कणकण में जो श्री राम है वो विराजमान है, अयोध्यावासी वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ 2024 का दंगल है, यानी कि लोकसभा चुनाव, उसको लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, और दूसरी तरफ सरकार से लेकर संत समाज से लेकर देश की जो आवाम है, हर एक जनता है, जिसे वर्षों से 500 वर्षों से इस बात का इंतजार था कि रामलला कब अपनी गद्दी में विराजमान होंगे, उसको लेकर अयोध्या में तैयारियां अंतिम चरण में। इसी को लेकर आज मुद्दे की बात में चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं,
आपका परिचय करा देते हैं। रजनीकांत माहेश्वरी हैं, विद्या परिसर के सदस्य हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महामंडलेश्वर विष्णुदास जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरपी सिंह अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो पल पल की अपडेट साझा करेंगे तैयारियों को लेकर। साथ ही प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और खेमचंद शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुलपति महाराज भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं महामंडलेश्वर से। दरअसल जो अयोध्या है वो एक संत समाज में भी काफ़ी उत्सुकता इस बात को लेकर देखने को मिल रही है कि अब अयोध्या जो है वो भव्य है, दिव्य है, वो पहले से थी, लेकिन जिसका बेसब्री से इंतज़ार था देशवासियों को, अयोध्या वासियों को, वो क्षण बेहद करीब आ चुका है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? खुशी चरम पर होगी। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आज भगवान श्री राम लला सरकार 500 वर्षों के बाद अपने सिंहासन पे विद्यमान होंगी, विराजमान होंगी। आज साधु संतों का एक सपना था, एक लालसा था, उनके जीवन का एक लक्ष्य था कि मेरे प्रभु कब बैठेंगे अपने सिंहासन। देखिए सोनी जी, जैसे हम लोग हैं, अपने घरों में रहते हैं, अपने मकानों में रहते हैं, और जारा जारा हुआ, चाहे गर्मी हुआ, सबका मतलब अलग तरीके से रहना पड़ता है। मगर जिस प्रकार भगवान श्री राम लला सरकार टेंट में रहते थे, यह बहुत दुखद समाचार था। जो टेंट में रहते थे भगवान श्री राम लला सरकार, उनके कपड़ों को भी नहीं बदला जाता था। इस समय स्थिति ऐसी आ गई थी उस समय, और उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी, जो भगवान श्री राम लला सरकार के कपड़ों का भी, एक दो तीनों लोग जो परम ब्रह्म है, जो दुनिया के मालिक है, वह परमात्मा का एक वस्त्र बदलने के लिए नहीं दिया जाता था। तो आज यह जो पल है, बहुत लालसा है, मगन है साधु संतों में, और 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हम लोग सभी अपने मठ मंदिरों में भी अनुष्ठान होगा, भगवान का कीर्तन होगा, क्योंकि अवध में मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। आज यह एहसास हो रहा है, और जब भगवान श्री राम आ रहे थे वनवास काट के, तो उस समय हमारे श्री भरत जी सरयू के तट पे इंतजार रहे थे कर कि मेरे प्रभु आएंगे। बिल्कुल, कब आएंगे इस बात का इंतजार था, लेकिन अब ये डेट निर्धारित हो गई है, तो ये इंतजार जो है वो अब समाप्त होने को है, और इसको लेकर उत्सुकता जो है संत समाज की, वो चरम पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ कल्पात्री महाराज भी जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं कल्पात्री महाराज जी का। देखा जाए तो खुशी चरम पर होगी, क्योंकि अब 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो बेहद नजदीक है। कैसा लग रहा है? चलिए, मुझे कल्पात्री जी महाराज आप सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से संपर्क करेंगे। और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी जुड़े हुए हैं, खेमचंद्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं। एक बार अपडेट ले लेते हैं तैयारियों को लेकर, संवाददाता आरपी सिंह का रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह, अयोध्या में तैयारियां चरम पर हैं, अंतिम रूप दिया जा रहा है, कितनी तेजी देखने को मिल रही है? जी उन्हें जी बताना चाहें कि दर्शकों को बताना चाहेंगे, यहाँ के आम जनमानस को बताना है, पूरे भारत देश को बताना चाहते हैं कि राम नगरी अयोध्या ऐतिहासिक अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है यहाँ पे, और जो जैसे जैसे पान पैटर्न आती जा रही है, वैसे पूरा राम राज में तब्दील होती जा रही है। वो अयोध्या है जो जैसे त्रेतायुग की अयोध्या है। आप यहाँ जितने लोग हैं, आइए दर्शन पूजन करिए और अपने जीवन को धन्यवाद। यहाँ पे आएंगे तो एक अलौकिक नजारा आपको नजर आएगा, जैसे बॉर्डर पहुंचेंगे आप, मतलब अयोध्या बॉर्डर पहुंचेंगे, तहां भी भगवान राम के दृश्य को जगह जगह पर दर्शा गया कि आपको लगे कि हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद बड़े पहुंचेंगे मेन गेट पे, तो यहाँ पे भव्य रूप से बनाया गया मंदिर के अंदर गेट पहुंचेंगे, तो वो भी भव्य रूप से, तो कहीं ना कहीं राम नगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए
यहाँ चाहे सूबे के मुखिया विधायक हो चाहे चाहे प्रधानमंत्री जी हो, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत सुटेबल रूप से की गई हैं। और यहाँ पे जब आएंगे तो आप पौराणिक चीज देखने का अंदाज ही अलग, ऐसा उत्साह है लोगों में, आप देखेंगे कि जन जन में पूरा राम व्याप्त है, यहाँ पे जितने लोग हैं जितने लोग जन जन में, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के जन जन में और देश के कणकण में राम व्याप्त है और अब उत्सुकता चरम पर है। हमारे साथ कल्पात्री महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। कल्पात्री महाराज जी, संत समाज को बेसब्री से इंतजार था इस बात का कि आखिर कब रामलला विराजमान होंगे सिंहासन में, और वो क्षण बेहद करीब है, कैसा लग रहा है? अनम्यूट करिएगा कल्पात्री महाराज जी। कल्पात्री महाराज जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, इस तकनीकी खामी को ठीक किया जाए। रजनीकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं। रजनीकांत माहेश्वरी जी, अयोध्या पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजकर अब तैयार है। एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी चरम पर हैं सभी राजनीतिक दलों की, और अयोध्या की तैयारियों को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, और एक तरफ ये उत्सुकता भी अपने आप में चरम पर है, क्या कहेंगे जी? अयोध्या को दुल्हन तरह सजाया जा रहा है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, विषय अच्छा कोई सुभाषण नहीं हो सकता है। अयोध्या के लोग जो है सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और हमारे रामलला का स्वागत करने के लिए तैयारी चल रही है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उस स्थापना ग्रहण की जाएगी, छोटी मूर्ति रखी जाएगी जिसके बल से मुकदमा लड़ा गया था और हमें सफलता मिली थी। पूरे अयोध्या आज विश्व का पर्यटक केंद्र हो गया है, क्योंकि अयोध्या में आज देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राम का सेवक आ रहा है। हमारे योगी आदित्यनाथ भी राम जी के सेवक हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी राम जी के सेवक हैं। ये 22 तारीख होने के पहले यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को उद्घाटन करने आ रहे हैं और रेलवे स्टेशन को उद्घाटन करने आए हैं। ये तो मात्र बहाना है कि देखने आ रहे हैं राम नगरी जो है तैयारी कैसे हो रही है, राम की नगरी में स्वागत कैसे किया जा रहा है। बिल्कुल, तैयारियां करोड़ों की सौगात अयोध्या वासियों के लिए, क्योंकि अब ये एक पर्यटक स्थल बनने जा रहा है, तो इसको लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ भी होगा, शिलान्यास लोकार्पण भी होगा, कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात अयोध्या वासियों को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बस आ रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या को लेकर, क्योंकि अयोध्या इस वक्त सुर्खियों में है, अयोध्या की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और इसको लेकर तरह तरह की बातें भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां चरम पर है, तो इस बात को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी का रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, अगर देखा जाए अयोध्या को लेकर आप क्या कहेंगे? एक तरफ अयोध्या और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी और दूसरी तरफ आगामी लोकसभा चुनाव। देखिए, अयोध्या तो राम भगवान जो है भारत के कणकण में है, और भारत का विश्व में प्राय राम के अनुयायियों की संख्या असंख्य। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी? सुन पा रहे? तो राम के भक्तों अनुयायी लाखों करोड़ों में। आप मुझे एक मिनट बाद दे सकते हैं समय? एक मिनट बाद जी जी जी, चलिए खेमचंद्र जी का रुख कर लेते हैं। खेमचंद्र जी भी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद्र जी, अयोध्या की तैयारियों को लेकर देखा जाए तो बहुत उत्सुकता संत समाज में भी देखने को मिल रही है, हालांकि ये राजनीति और धर्म का आस्था का मिक्सचर भी इसे बताया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां कई तरीके के आरोप लगा रही हैं, अभी हाल ही में जिस तरीके के बयान निकलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आए, क्या कहेंगे आप? जय श्री राम, आपको आवाज आ रही है जी? सुन पा रहे हैं? जय श्री राम जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं खेमचंद जी? अनुरोध है कि सभी म्यूट कर लें अपने आप को, जो नहीं बोल रहे म्यूट कर लें ताकि डिस्टर्बेंस कम से कम आए। देखिए, ये बहुत ही सुखद अनुभव है, सुखद मोमेंट है, और हमारे देश के लिए
और हमारे हमारे समाज के लिए इतना अच्छा मोमेंट है कि भाई बहुत सारे लोग तो पूरी जिंदगी उनकी निकल गई स्ट्रगल में, पूरी जिंदगी निकल गई ये सपना देखते देखते कि कब मंदिर बनेगा, कब भगवान रामलला अपने भव्य स्थान पे भव्य महल में विराजमान होंगे। उन सभी के लिए जिंदगी का एक ऐसा मोमेंट है कि वो इसको जीना चाहते थे, देखना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे। तो ये हमारे समाज ना सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरे विश्व में रहने वाले सनातनी, पूरे विश्व में रहने वाले रामकृष्ण के भक्त जो आज भी पूजा पद्धति में अलग है लेकिन भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं, उन सभी के लिए उत्सव का समय है, उत्साह का समय है। और ऐसा ही लग रहा है जैसे द्वापर में भगवान राम जब जब वनवास से वापस आए थे तो अयोध्या में खुशी मनी थी, आज पूरे देश में पूरे विश्व में उस तरीके की खुशी है कि लगभग 500 साल बाद उन्हें भगवान राम अपने अपने जन्म स्थान पे अपने महल में अपने एक मंदिर में विराजमान होंगे ना कि टेंट में। और ये बहुत खुशी का समय है, सरकार पूरी प्रतिबद्ध है, पूरी मेहनत कर रही है, दोनों ही सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाके हर उस स्थान को वैसा ही कुछ नाम और रूप देना चाहते हैं जैसा रामायण काल में था। तो अब आप देखेंगे एयरपोर्ट का भी नामकरण होगा, रेलवे स्टेशन का भी, इन सब का महर्षि वाल्मीकि जी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उस समय के फिगर थे जिन्होंने रामायण की रचना की, इन सभी के नाम पे, तो उस समय की जो महान विभूतियां थी या फिर आंदोलन में जिन्होंने योगदान दिया, सबको सम्मान देने का काम इस समय किया जाएगा। ठीक है खेमचंद जी, लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये मानना है कि 2024 की राह को आसान बनाने के लिए पूरा फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या में है इस वक्त, इससे पहले ये कवायद क्यों नहीं की गई? कवायद तो अब आप देखिए डिसीजन हुआ है, समय लगेगा, हमारी सरकार ने माहौल बनाया, इकोसिस्टम बनाया, सपोर्ट सिस्टम बनाया, जितने भी हैसल हो सकती थी उन हैसल को दूर किया, फंड प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, सरकार की तरफ से जो चीजें हो सकती हैं वो की जा रही हैं। तो ऑब्वियसली अब ये कहें कि 2024 से पहले तो हमारे देश में तो चुनाव हमेशा होते रहते हैं, अगर हम इसको एक साल पहले करते तो कहते देखिए स्टेट इलेक्शन से पहले फायदा लेने के लिए काम किया जा रहा है, यहाँ इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं, राजनीति का कोई लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9.5 साल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, अपने कार्यों के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे और जीत के दिखाएंगे। लेकिन हमारी संस्कृति हमारी आत्मा है, हमारी संस्कृति हमारा गर्व है और संस्कृति को दबाने कुचलने का काम जो वर्षों तक हुआ आज उसका उत्थान हो रहा है, पुनर्स्थापन हो रहा है, उन्हें आज पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का डंका बज रहा है, हमारे राम और कृष्ण की जो महिमा तो सब जानते थे सब मानते भी थे, आज ये पूरे विश्व का एक, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व का एक सबसे अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएगा और जिस दिन पूजा होगी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी इसकी व्यूअरशिप शायद विश्व के और दूसरे होने वाले जितने भी इवेंट है सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि भगवान राम सबके हैं, भगवान राम सबके सबके लिए सोचते हैं और सब हर एक व्यक्ति किसी भी पूजा पद्धति का हो वो ये बिल्कुल भगवान राम का नाम आता है तो हर एक व्यक्ति की आस्था अपने आप ही जुड़ जाती है। भुवन भास्कर जी का रुख कर लेते हैं एक बार, भुवन भास्कर जी आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हालांकि इस बात को नकारती है कि आस्था और धर्म को मुद्दा नहीं बना रहे हैं और लगातार विपक्षी पार्टियां इसी बात का जिक्र कर रही हैं कि इसे एक मुद्दे के तौर पर भुनाया जा रहा है और इसीलिए अयोध्या का एक फोकस पूरा भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है, इसे किस नजरिए से देखते हैं? भुवन भास्कर जी अनम्यूट कर लीजिएगा, आवाज आ रही है आपको? जी सुन पा रहे हैं। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था जी। ये बताने का काम कर रहे थे कि राम राम जो है द्वापर युग में पैदा हुए, मैं इन महाराज जी से कहना चाहता हूँ राम द्वापर में नहीं, राम त्रेता युग में पैदा हुए, थोड़ा सा भी युवा भी है और भाई है तो जरा अनुभव ले लेंगे। अब दूसरा विषय, अब दूसरा विषय जहां पर अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी छोटे भाई ने बोलने का काम करा कि इस इवेंट को दुनिया देखने का काम करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इवेंट हो सकता है, हम समाजवादियों के लिए राम कोई इवेंट नहीं हो सकता, ये हमारी हमारी आत्मा से जुड़ा मुद्दा है, ये देश से जुड़ा मुद्दा है, ये सनातन से जुड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा जुड़ा है हमारी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह से इवेंट के रूप तभी में तभी स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात का जिक्र करते हैं कि ये अयोध्या एक और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एक धोखा है। सोनी जी आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अभी हिंदू कोई धर्म है हमारे यहाँ, जब राम, मैं सोनी जी जवाब देना चाहूंगा आपकी बात का,
सोनी जी, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे बोल दिया है जब ब्राह्मण सम्मेलन हमारे यहाँ था कि उनका जो बयान है उनका निजी बयान है, पार्टी का से कोई लेना देना नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी जो पाठ हमको पढ़ाते हैं, सामान्य हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को जो पाठ पढ़ाते हैं, वो सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाते हैं और हम समाजवाद भी इसी बात को कहने का काम करते हैं। और हम तो ये कहते हैं, मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने एक गीत सुनता था मैं, जो कि भजन का गीत है, आपने भी सुना होगा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलावा है। ये बुलावा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं महाराज जी। जी बुलावा देने वाले ट्रस्ट लोग कैसे हो सकते हैं? बुलावा तो श्री राम देंगे, श्री राम के बुलावे में ऐसा कौन जो नहीं जाना चाहेगा, सब जाना चाहेंगे, लेकिन बुलावा श्री राम का होगा, कोई आगे जाएगा। कलपात्री महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। भुवन जी जी कलपात्री महाराज जी अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिए। जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा है। इनको ये भी नहीं पता है कि राम जी का जन्म अभिजीत मुहूर्त में होता है और ये तिथि बहुत कम समय में आ पाती है। 1 मिनट 28 सेकंड, 1 मिनट 28 सेकंड की वो मुहूर्त है 12 बजे के बाद, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ये हमसे क्या सीख देंगे, ये जो कार्यसेवकों के ऊपर गोली चलवाए थे, जो कार्यसेवकों को ऊपर गोली चलवाए थे, तमाम लोगों को शहीद किए थे, ये क्या मुझे शिक्षा देंगे? ये मुझे शिक्षा देने वाले नहीं है। राम जी का जन्म है, हमेशा होता है, मैंने परमात्मा जन्म नहीं होता है। भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी हर्षद महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी, हम स्वागत करते हैं, क्यों नहीं आते हैं? ये उनको दीक्षा दें, स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो रामचरित मानस के पन्ना को फाड़ रहे हैं, जो हिंदू को जो है धोखा बता रहे हैं, ये उनको शिक्षा दें, हमको शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। हम साधु संत हैं, महात्मा हैं, हम कोई भाजपा ही नहीं है, हम किसी पार्टी के लोग नहीं है। और अगर नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं तो राम सेवक के रूप में आ रहे हैं, जोगी जी आ रहे हैं। ठीक है कलपात्री जी, ठीक है। महामंडलेश्वर विष्णुदास जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। आज की तिथि उन कार्यकर्ताओं की सच्ची श्रद्धांजलि है जिन लोगों ने शहादत दिया है, क्या पता शहादत क्या होता है। सोनी जी हमारा यह कहना है कि सपा के जो नेता जी हैं उनको पूरे तरीके से बोलने का ज्ञान नहीं है। कभी हमारे श्री राम जी मानस को लेकर के, कभी हमारे श्री हिंदू धर्म को लेकर के, साधु संतों को लेकर के, और भगवान का इतने दिनों के बाद भवरा मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल विष्णुदास जी, ये अगर क्रेडिट की बात कही जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले, तो अगर क्रेडिट की बात की जाए तो ये किसको क्रेडिट जाता है? अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने का, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो इतनी उत्सुकता है, विष्णुदास जी चलिए चलिए समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरपी सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही।